उड़ते हुए विमान का विंडशील्ड क्रैक हो गया। देश में विमान क्षेत्र में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों के मामले बढ़ रहे हैं। गो फर्स्ट की फ्लाइट G8151 का टूटा विंडशील्ड दिल्ली से दोपहर 12:40 पर रवाना हुई थी ये फ्लाइट, लेकिन कुछ ही देर के बाद पायलट्स को पता लगी इस खराबी की जानकारी। विंडशील्ड क्रैक होने के बाद फ्लाइट को वापस ले जाया गया दिल्ली, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के चलते वहां पर लैंड नहीं हो सकी फ्लाइट। दोपहर 2:55 पर फ्लाइट को उतरना था गुवाहाटी। अब जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से ये फ्लाइट उतरी है, लेकिन लगातार तकनीकी गड़बड़ियों से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन लोग भी एक फ्लाइट के टायर में टेक ऑफ करते ही आग लग गई थी और अब ये विंडशील्ड जो कि उड़ान भरने के बाद क्रैक हो गया। हालांकि राहत की जानकारी ये कि इसमें किस प्रकार के जो लोग मौजूद थे उन्हें किस प्रकार की चोट नहीं आई, लेकिन समय रहते ही अगर क्योंकि देखिए दिल्ली में इसे लैंड किया जाना था, लेकिन दिल्ली से कई फ्लाइट्स जयपुर के लिए डाइवर्ट दिल्ली में खराब मौसम होने के चलते की गई है। और जयपुर जब डाइवर्ट ये फ्लाइट भी हुई जिसे गुवाहाटी पहुंचना था विंडशील्ड के क्रैक होने के बाद में, दिल्ली से दोपहर 12:40 पर यह फ्लाइट जब रवाना हुई, लेकिन पायलट्स को कुछ ही देर के बाद में जानकारी लगी कि विंडशील्ड क्रैक हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी काशुराम इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुट गए हैं। काशुराम, देखिए देश में विमानन क्षेत्र में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों के मामले सामने हैं। कैसा ही मामला सामने आया जिसमें उड़ते हुए विमान का विंडशील्ड क्रैक हुआ, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर अब उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई है। क्या ये पूरी घटना, क्या जानकारी इसको लेकर? जी रहती बिल्कुल, देखिए चिंताजनक है और लगातार राज्य केंद्र सरकार इस बारे में प्रयास भी कर रही है कि इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियों के मामले सामने नहीं आए और एयरलाइन सुरक्षित तरीके से फ्लाइट संचालित करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं और कल भी गो फर्स्ट के दो फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे और ये ताजा मामला जो है बहुत ही गंभीर है क्योंकि ये फ्लाइट दोपहर 12:40 पर ही दिल्ली से रवाना हो गई थी और जब रास्ते में थी ये फ्लाइट उस दौरान जो पायलट हैं उनको विंडशील्ड क्रैक होने का एहसास हुआ और इसके बाद इसको वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी गई, लेकिन चूंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर तब तक मौसम खराब हो चुका था तो ऐसे में फ्लाइट को लैंड नहीं कराया गया। दो बार इसको लैंड कराने की कोशिश की गई लेकिन दोनों बार फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई और इसके बाद करीब 2 घंटे से ज्यादा समय से ये दिल्ली एयरपोर्ट के आसमान में फ्लाइट चक्कर काट रही थी और जब मौसम क्लियर नहीं होते दिखा तब इस फ्लाइट को दोपहर करीब 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है और अब सुरक्षित तरीके से विमान उतर चुका है जयपुर में। जो यात्री हैं वो विमान के अंदर ही बैठे हुए हैं और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन इसने एक सवाल खड़े कर दिया है कि क्या ऐसी इमरजेंसी की हालत में क्यों लगातार सामने आ रही है, ऐसी इमरजेंसी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अगर इस तरह की तकनीकी गड़बड़ी हो रही है विमानों में लगातार तो क्या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है? और न केवल गो फर्स्ट एयरलाइन बल्कि स्पाइसजेट, इंडिगो, सभी एयरलाइंस के विमानों में इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कई एयरलाइंस इसमें चूंकि इंजन को भी जिम्मेदार मानती हैं और कुछ जो है तकनीकी गड़बड़ियां लगातार विमानों में बढ़ रही हैं तो उस सबको देखते हुए कहीं ना कहीं एयरलाइंस को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। बिल्कुल काशुराम, जरूरत है जिम्मेदारी तय करने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने।